तो आज हम बात करने वाले सनी देओल की मूवी चुप के बारे में। आज हम रिव्यू करेंगे सनी देओल की फिल्म चुप। जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका पिछला काम देखिए, जैसे कियन का पा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम है उनका, और इसी तरह से ये मूवी में काम है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी देखिए ना, इसमें कुछ स्टोरी में ज्यादा ट्विस्ट टर्न नहीं है, एकदम सिंपल प्लेन स्टोरी। अगर थोड़ा दिमाग लगा तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते कि क्या क्या होने वाला है, पर देख के मजा आता है। सबसे पहली बात तो ये मूवी सबसे पहले तो ए रेटेड है मूवी ये है ना। जिस तरह से इस मूवी में खून खाद दिखाया है, अत्या निकाल लोगों के करते हुए, जिस तरह से टॉर्चर नहीं कह सकते आप, जिस तरह से उसका साइको किलर है, जिस तरह से थोड़े आर रेटेड सीन है, ए रेटेड कहना चाहिए कि एडल्ट मूवी है ना, जिस तरह से वो दिखाया वो देखे मजा तो मजा आता है। बहुत अजीब है, मजा क्यों आ रहा है मेरे को, पर स्टोरी देखिए बहुत गजब है। उसका जो बैकग्राउंड स्कोर है सुन के एक गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर है। सबसे पहली बात तो उसका उसका जो बैकग्राउंड स्कोर एक बार वो सुन के देखिए आप ट्रेलर में, उसके बाद आप देखिएगा मतलब है ना, आप जब इंजॉयमेंट कीजिए जब थिएटर बज रहा है मजा आ जाता है। इसकी मतलब है ना स्टोरी पहले एकदम सीरियस स्टोरी चल रही है, मॉडर्न चल रहा है, उसके साथ लव स्टोरी है। देखिए सीरियस स्टोरी से थोड़ा ब्रेक लेकर लव स्टोरी है ना एकदम लाइट फ्रेशनिंग काम करती है, मूड आपका अच्छा हो जाता है। पर है ना जब भी स्टोरी आती है तब लगता है कि मूवी थोड़ी स्लो हो रही है, पर है ना वो स्टोरी ऐसा कि नहीं है कि सिर्फ लव स्टोरी है जैसे ब्रह्मा में, पर है ना जो स्टोरी है उसका कुछ मीनिंग है। इस तरह से वो एंड में उसका स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं सीरियल किलर के बारे में, और सीरियल किलर मतलब क्यों कर रहा है ये रिव्यू के बारे में ये है ना। आप थिएटर जाके देखे अगर कुछ बताऊंगा तो ये है ना स्पॉइलर हो जाएगा। और जो उसके जो इसमें मेन विलन है सलमान पूरा नाम बोलना जी पड़ा से खराब हो जाएगी, वो ने जो काम किया है वो इसलिए बहुत अच्छा लगा मेरे को सबसे पहली बात तो। और जो सनी देओल है उनका कैरेक्टर मतलब जिस हिसाब से पर्सनैलिटी वो कैरेक्टर उनका थोड़ा कैरेक्टर में कुछ था नहीं दिखा जाए, पर मजा आता है आपको पहली बात तो जो मूवी देख के। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप थिएटर में जाइए जो मूवी देखिए, अगर आप 18 प्लस हैं। और इसके बात कीजिए इसका स्टोरी हो गई, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसकी क्या नाम है रोमांस जो एंगल है वो भी अच्छा है, मतलब है ना बुरा नहीं है, आप देख सकते हैं एंजॉयबल है। और सबसे बात की जैसे क्लाइमैक्स, जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा इमोशनल कर देता है, थोड़ा सा अगर आप मूवी में इन्वेस्टेड है आपको थोड़ा सा इमोशनल फील होगा। और बीच बीच में थिएटर में बच्चों ने अगर चिल्ला दिया क्योंकि ए-रेटेड मूवी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आपका इमोशनल टच निकल सकता है। पर मूवी देखिए अच्छी है, अगर आपको खूनम खान देखने में कोई दिक्कत नहीं है और आपको एक सीरियस स्टोरी देखने में मजा आता है, मतलब जिसमें ज्यादा ना एक्शन हो ज्यादा, तो आप देख सकते हैं। मतलब एक्शन वैसे वाला नहीं, काटने वाला बहुत अजीब साउंड कर रहा है पहली बार। लेकिन देखिए बहुत मूवी 2 घंटे 15 मिनट की है तो मूवी लेंथ ज्यादा नहीं है, पर मूवी कहीं स्लो भी नहीं लगती आपको। और जिस तरह से वो स्टार देता है लोगों के माने वाले सर पे फिल्म क्रिटिक के, अच्छा मैं फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ वरना और वो क्यों दे रहा है ये सब उसके लिए पता चलेगा कि वो क्यों दे रहा है, तो अब इस तरह से मजा आता है देखने में। और जिस तरह का और इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो डायलॉग सुन के भी मजा ही आ जाता है, जो जब भी डायलॉग के बारे में सोचता हूँ मजा आ जाता है। और ये मूवी है ना एक तरह से अपने आपको सटायरिकल बहुत सटायर भी कर देती है बीच बीच में कई बार, अगर आपको थोड़ा पता हो कि बैकग्राउंड के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि किस बात में सटायर कर रही है। अगर थोड़ा और बताऊंगा तो स्पॉइल हो जाएगा, पर है ना देखिए जाके मजा आएगा क्योंकि आप थोड़ा ओपन माइंड से देखिएगा इसको, और हो सके तो है ना जितनी कम भीड़ हो मतलब जितना ज्यादा फोकस के साथ देख सके उतना ज्यादा फोकस के साथ देखिए क्योंकि भीड़ तो देखिए आप। तो ये था मेरा रिव्यू चुप मूवी को लेके, धन्यवाद। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए करी चैनल को सब्सक्राइब।